ये एक मुख्य रास्ता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, धरातल पे कुछ नहीं है। पार्षद जी तो मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, बोलो ना बोलो सब बराबर है। अगर इनके बारे में कुछ बोल देते हैं तो इनके जो सपोर्टर हैं वो गाली गलौज पर उतर जाते हैं। ऐसा कर दिया कि यहाँ से कोई बंदा निकल नहीं सकता, आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोई यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। हमें कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे हमारी कॉलोनी में चले, और जो भी हमारी माता बहन इन चीज़ों से परेशान होती है कि कूड़ा नहीं डाल सकती, उनको उनसे राहत मिले। 2011 से लेके अब तक पार्षद जी हमारे सोए हुए हैं, और पार्षद जी कई बार हमने रिक्वेस्ट भी किए भाई यहाँ काम कराया जाए, पर पार्षद जी हमें अनदेखा करते हैं कि अखबारों में निकलवा देंगे कि मैंने ये कर दिया, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने सबको बता दिया है। और ये बातें चली थी 5 दिन पहले 6 दिन पहले की बात है ये, लेकिन एक्चुअल में आप खुद देखो कि काम करवा कौन रहा है। देखिए निगम की भी गाड़ी अभी यहाँ पर आई है। ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं ये है सूरत नगर, और सूरत नगर के तमाम लोग हैं, आप उनसे भी मैं मिलवाऊंगा, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्षद हैं बीजेपी से पार्षद हैं और पिछले 10-11 सालों से पार्षद हैं वो, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कूड़े की। मेरा नाम राकेश तंवर, मैं सूरत नगर फेस 1 से प्रधान हूँ RWA का। ये कम से कम भी 3 साल से यहीं कूड़ा डलता है, काफ़ी बार कंप्लेंट भी की जा चुकी है, लेकिन हमारी कंप्लेंट से सिर्फ कूड़ा उठ जाता था। इस मुहिम में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आज कॉलोनी वासियों के सहयोग से और हमारी टीम यहाँ अच्छी मुहिम करके नगर निगम के सहयोग से नगर निगम इसको कूड़ा को उठा रहा है। आज हमने कंप्लेंट डाली है ऊपर, तो आज कूड़ा उठाया जा रहा है, कि हमने आज ही रिक्वेस्ट करी थी कि आज ही कूड़ा उठाया जाए, कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष पे हम एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं ऐसे हमारे आसपास गंदगी ना फैलाएं, जिससे इन मोदी जी की तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं और उनके पार्षद हैं वो 10 साल से हैं यहाँ पर, बताया जा रहा है। बीजेपी मोदी जी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल अपनी उन चीज़ों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जिनसे मोदी जी का नाम छवि खराब की जाती है और मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। मोदी जी अपने क्षेत्र में और अपने मतलब पूरे भारत में, पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में उनका एक अपना जज्बा है, उनको लोग मानते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ से पार्षद है वो कभी आके नहीं देखते हैं। यहाँ पे इतनी बदबू है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता सूरत नगर फेस 1 के जाने के लिए, फेस 2 के जाने के लिए, धनवापुर के लिए ये एक मुख्य रास्ता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया, धरातल पे कुछ नहीं है, जीरो है। कुछ और लोग उनसे क्या कहेंगे सर, क्या काफ़ी समय से हम लगे हुए थे कूड़े को उठाने के लिए। कॉलोनी के लोग ना काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि कूड़ा उठ जाएगा, मगर हम भी सोचा भाई उठ जाएगा, मगर हम राकेश जी प्रधान जी को हमने बोला, काफ़ी टाइम हो गया हमें RWA लोगों को मैसेज आने लगे हैं कि कूड़ा क्यों उठवाओ, तो हमने राकेश जी से बात हुई, आज ही इन्होंने मौके पर इस चीज़ को परखा, और ऐन मौके पे अपनी पर्सनल एक JCB आप वो देखो चल रही है मौके पे, और एक ट्रैक्टर भी लगाया हुआ है, पूरी कचरे को इन भाइयों को बुलाया है, नगर निगम से आए हुए हैं, ये सारा डंपर से मेटल उठा लिया है सारा, और ये जितना भी डस्ट है ये चारों तरफ से प्लेन हो जाएगा, ताकि कूड़े को डंपिंग उठा के इसको प्लेन करके हमारा टारगेट रहेगा कि ये आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर हमारे सूरत नगर में जो कूड़े इकट्ठा कर रहे हैं, ये हमारा मेन मुख्य रास्ता है, हमारे जो रिलेटिव हैं कोई भी लोग आते हैं। सर अभी पार्षद जी तो मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, बोलो ना बोलो सब बराबर है, कुछ कहना नहीं चाहता उनके बारे में, सही बताओ तो। देखिए पिछले 11 साल हो गए हैं, 2 टेन्योर पूरे कर चुके हैं पार्षद जी, और ये 10 साल के बाद 1 साल प्लस होने जा रहा है, और 11 साल का अचीवमेंट आपके सामने है। अब मोदी जी ऊपर से देखने तो आएंगे नहीं, मोदी जी को क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है। ये जो पार्षद साहब हैं ये इतनी तबाही मचाई हुई है, अगर इनके बारे में कुछ बोल देते हैं तो इनके जो सपोर्टर हैं वो गाली गलौज पर उतर जाते हैं, वो उल्टा सुलटा बोलने लग जाते हैं, और हमारा ये जो मेन रास्ता है यहाँ पर कूड़े के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला, ये डंप यार्ड बना दिया गया है। आप देख लिए सूंघ, आप खुशबू भी नहीं ले पा रहे हैं यहाँ की बदबू आ रही की, इतना बदतर नज़ारा है ना यहाँ पर। खड़े हो जितने भी लोग हैं इनसे पूछ सकते हैं
कि यहाँ पर बीमारियाँ गंदगी की वजह से होती हैं। अभी कितने दिनों से है ये समस्या? सर ये तो ये लगा लो कि यहाँ पर कई साल हो गए और ना कोई ऐसा कोई वो है कि यहाँ पर कूड़ा गिरना है, ये बस पार्षद जी ने अपनी मर्जी से यहाँ पर गिरवाना शुरू कर दिया और कुछ भी ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारी जो ये कॉलोनी है, आसपास की कॉलोनी है, हमारे मेन रास्ता है, इस पे आके इन्होंने ऐसा कर दिया कि यहाँ से कोई बंदा निकल नहीं सकता। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोई यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। हमें अपने रिलेटिव को बुलाने में भी एक तरीके से शर्म आती है कि हमारा जो मेन रास्ता है कि वहीं पर इतना गंदा कूड़ा पड़ा हुआ है और कम से कम 5 से 6 ट्रक यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हमने निगम में भी कहा कि हमारे जो कॉलोनी में कूड़ा होता है उस वो हमारा एक गाड़ियों से नहीं होगा, हमें कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे हमारी कॉलोनी में चले और जो भी हमारी माता बहन इन चीज़ों से परेशान होती है कि कूड़ा नहीं डाल सकती, उनको उनसे राहत मिले। और पार्षद जी यहाँ पर कभी भी कॉलोनी में आके, आज 2011 के बाद से उन्होंने कभी भी कॉलोनी में आके यहाँ पर ये नहीं पूछा किसी से भी कि यहाँ पर ये जो कूड़ा गेरा जाता है मैं इसको हटवाऊंगा या मैं यहाँ पर सीवर भरते हैं उनको ठीक करवाऊंगा। पार्षद जी की तरफ से हमारे कॉलोनी में कोई मदद नहीं है। हमारा जो मदद कर रहे हैं वो हमारे RWA के प्रधान राकेश तंवर और हमारे बड़े भाई विनोद गहलोत, उप प्रधान मोहित यादव और हमारे सभी बुजुर्ग जो इस कॉलोनी से हैं। इलेक्शन तो अभी देखो टाइम है, देखो क्या होता है, लेकिन जो आदमी काम ही नहीं कर सकता उस आदमी को पब्लिक जवाब दे। मैं तो जनता से कहूँगा जनता जवाब दे और हमारी प्राथमिकता ये है। मैं सभी से कहूँगा, मेरे आसपास के सभी यहाँ कूड़ा ना डालें, सभी सहयोग करें जिससे अपना आसपास का क्षेत्र अच्छा रहे और एक मैसेज जाए कि स्वच्छ अभियान अपने पूरे भारत में जब मोदी ने बोला है तो हम अपने आसपास में, तो हम अपने घर में जब सफाई करते हैं तो अगर हमने यहीं से निकलना है तो कम से कम यहाँ भी सफाई रखें। मैं ये चाहूँगा कि सब इसमें सहयोग करें, हमारे कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं 2024 के, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के जो हालात हैं आपके आपके एरिया में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे 24 में कुछ है? सर पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा RW की टीम का, राकेश तंवर जी का, उस पुलिस की टीम का। वो जब से प्रधान बने हैं यहाँ कंटिन्यू पूरी कॉलोनी पे उनकी नज़र है, सफाई पे, सीवर पे। और रही 2024 की बात, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो आज से पहले 2011 से लेके अब तक पार्षद जी हमारे सोए हुए हैं और पार्षद जी कई बार हमने रिक्वेस्ट भी किए भाई यहाँ काम कराया जाए, पर पार्षद जी हमें अनदेखा करते हैं और आने वाले टाइम में बदलाव की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में कहूँगा सिर्फ कोरी राजनीति है और एक्चुअल में काम करने वाला कोई है नहीं। हमारे सूरत नगर के प्रधान राकेश जी हैं, राकेश तंवर जी, और भाई विनोद गहलोत, मोहित यादव और मन्नू भाई साहब, हिमांशु जी और भाई भोलू साहब है अपने। तो आप ये लगा कि चलो कुछ लोग राजनीति ऐसे करते हैं कि अखबारों में निकलवा देंगे कि मैंने ये कर दिया, मैं ये करने वाला हूँ, मैंने सबको बता दिया है। और ये बातें चली थी 5 दिन पहले 6 दिन पहले की बात है ये, लेकिन एक्चुअल में आप खुद देखो कि काम करवा कौन रहा है। ये एक्चुअली में काम करवा रहे हैं हमारे प्रधान जी राकेश तंवर जी, ठीक है जी। और ये कुछ तो इनके जो सरकारी नगर निगम की तरफ से एक जो गाड़ियाँ जो आई हैं एक दो, बाकी उनके राकेश तंवर जी के खुद पर्सनल गाड़ियाँ इनके अंदर लगी हुई हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक डंपर है इनके खुद, इन्होंने यानी कि कुल मिलाकर इस कॉलोनी के लिए बहुत ही बड़ा योगदान ये दे रहे हैं हमारे, और सफाई के मतलब अभियान में जुटे हुए हैं ताकि जैसे घर स्वच्छ रहता है वैसे हमारी कॉलोनी, हमारा समाज, सारी चीज़ें स्वच्छ रहे। माध्यम से सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा ताकि जो आपने हमारी समस्या का संज्ञान लिया। ये हमारा सूरत नगर वार्ड 11 एक रूरल एरिया है जिसकी हमारी मेन एंट्री फ्लाईओवर के पास है। जैसा कि आपने होगा, हमारे प्रधान जी राकेश तंवर जी, भाई विनोद गहलोत जी, मोहित यादव जी, प्रधान जी, और साथ ही साथ हमारी सारी RWA सूरत नगर की टीम कि ये जो हमारा जो मेन एंट्रेंस है सूरत नगर वार्ड नंबर 11 जो रूरल एरिया था, जो कि हमारे पार्षद जी को ये कार्य करना चाहिए था, जिस कार्य को हमारी टीम भाई राकेश प्रधान जी, जो कि ये हमारा मेन रास्ता है, आप जिस माध्यम से आप दिखा रहे हो, आप सभी को दिखाएं, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं, गुड़गांव प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे वार्ड 11 में हमें इस समस्या से निजात दिलाया जाए ताकि ये गंदगी का ढेर जो यहाँ पे पड़ा, इसमें आने जाने में बच्चों को, बड़ों को, और आज के समय में बीमारियों का भंडार है। वैसे भी आप देख, हम तो यही कहना चाहेंगे अपने पार्षद साहब से कि जो ये आपका हमारा रूरल एरिया वार्ड नंबर 11 सूरत नगर के आपके अंडर आता है, इस पर आप फोकस करो। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा
मीडिया कर्मियों का, भाई राकेश प्रधान का, विनोद गहलोत जी का, मोहित यादव जी का, जो उन्होंने पहल की आज जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में हमें इस गंदगी से निजात दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।